ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक मानतुल्ला खान के घर सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पहुंची है। उनके घर के बाहर सुरक्षा बलों को देखा जा सकता है। इस संबंध में आप विधायक मानतुल्ला खान ने एक वीडियो भी जारी की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईडी की एक टीम सर्च वारंट के नाम पर उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अब मानतुल्ला खान के भाई मिनतुल्ला खान और आप नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। इससे पहले इनका 22 तारीख को नोटिस आया था और बोले थे कि पेशेंट थे, इनकी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ, कैंसर से पीड़ित हैं वो, तो ऑपरेशन हो के वो कल या परसों क्या कहते डिस्चार्ज होकर वो आई हैं। उनके लिए उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा था कि आप मुझे, मेरी सासू माँ आई हुई हैं और इतनी बड़ी बीमारी है, आप फिर उसके बाद में हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तो क्या कुछ बातचीत हुई आने के बाद, क्या परेशान भी कर कि नहीं सासू माँ जी को परेशान करें, कैंसर पीड़ित है, वीडियो भी डाली है? हाँ, कैंसर है, उनकी सर्जरी हुई है और उनकी आज क्या कहते हैं 10 बजे तक क्या कहते हैं अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी उनको, आज लेके जाना था, लेकिन ना तो ये कोर्ट पहुँच चुके हैं ना तो अस्पताल जा सके। परेशानी हो रही है? हाँ परेशानी, अरे कैंसर की सर्जरी है और ब्रेस्ट के, बिल्कुल होगी ना, ये घर में पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, उसके बाद भी इस तरह से ये, और ये भी इंटीमेशन दे चुके हैं हम लोग ईडी वाले को कि भाई ऐसे से मसला है कि मेरी सासू माँ बीमार है और इसलिए क्या कहते हैं हम अभी आने में असमर्थ, तो इस चक्कर में फिर भी ये लोग क्या कहते हैं सुबह 6 बजे आ चुके हैं। अरे भाई साहब एक चीज़ बताए, छापेमारी चल रही, एक ही केस में पहले ACB ने करा, फिर CBI ने करा, ED ने करा, ACB CBI क्या कहते हैं चार्जशीट पर दाखिल है, उसमें कोई सबूत नहीं मिला उनको, अब ये उसी केस को क्या कहते हैं ED कर रही है। अब ऐसा तो सारी एजेंसियाँ लगाते रहो पूरी ज़िंदगी, क्या कहते हैं आप जाँच पड़ताल करते रहो। धन्यवाद। और वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का मामला है, उसके अंदर 2016 से अब 24 हो गया, 8 साल से सारी एजेंसियां उसके अंदर अलग अलग लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि ACB उनकी, CBI उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। और केंद्र सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पर पद खाली रहें, वहाँ की खुद वो भर्ती करना नहीं चाहते, कोई और दूसरा भर्ती कर दे तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरा की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए, यही अस्पतालों के अंदर भी कर रहे हैं, खुद लेंगे नहीं दूसरे को लेने देंगे नहीं, तो सारा देश देख रहा है कि इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है इस तरीके का दबाव और बढ़ाएंगे लोग। BJP जांच करने देना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा वो तो सुप्रीम कोर्ट कई बार अब टिप्पणी कर चुका है। ED और CBI के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको मन करता है उसको जेल में डालते हैं, जिसको मन करता है उसको गवाह बनाते हैं, जिसको मन कर रहा है उसको अप्रूवर बना रहे हैं, जिसको मन कर रहा है आरोपी बना रहे हैं, तो कोई कानून नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार की सियासत के हिसाब से जो है लोगों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। और ये कोई और नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत कई बार ईडी के विषय में एक्साइज मामले में कह चुकी है। BJP इसका विरोध करेगी, सरकार पे कि इसमें कुछ क्लियर नहीं है क्या प्रोविजंस रहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक सोच की पार्टी है, कोई भी काम कोई सरकार करे तो उसका विरोध करेंगे। आधार कार्ड UPA ला रही थी ये विरोध करते थे, फिर ये खुद ले आए तो ये बहुत अच्छा था। मनरेगा पहले UPA के ज़माने में था तो उसका विरोध करते थे, बाद में खुद चला रहे हैं। GST UPA के ज़माने में आ रहा था ये विरोध करते थे, प्रधानमंत्री खुद उसका विरोध करते थे, मगर जब खुद आ गए तो लेके आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक सोच की पार्टी है, इनको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है विरोध करते हैं। आपको बता दें कि आप विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में हैं, जिसको लेकर ED की टीम मानतुल्ला खान के घर पहुंची है।